जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि गए। नाम करण एक संस्कार है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात, क्योंकि ये कथा संस्कृति समझाई जा रही है। जो चीजें हमारे बच्चे या पीढ़ियां नहीं समझ पा रही है, लोगों को लगता है कि रामायण राम जी की जीवनी है ऐसे ही, कि राजा दशरथ के चार पुत्र हुए और वन में गए, सीता जी का हरण हुआ, रावण से लड़ाई हुई, लौट के आ गया। पूरा जीवन का दर्शन इसमें है। नामकरण संस्कार की बारी आई तो पहले ये समझ ले कि संस्कार है क्या। जीवन एक अज्ञात यात्रा है, किसी को मालूम नहीं कि पहुंचना कहां है। जो बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञानी ऋषि मुनि है, उनके मुंह से सुनते हैं कि मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है। आम आदमी को मालूम क्या कि होता क्या है, नहीं जानता कोई। हम इस धरती पे क्यों आए हैं, कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, करना क्या है, बस जिए चले जा रहे हैं एक अनजान यात्रा में, और बहुत तेजी से चले जा रहे हैं। बड़ी थकान है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऋषियों ने देखा कि इस अनजान सफर में जिस प्रकार परिवहन विभाग, सड़क विभाग हर चौराहे पे जहां मुड़ने में भटकने की गुंजाइश हो बोर्ड लगा देता है, दिल्ली इतने किलोमीटर इधर, आगरा इधर, लखनऊ इधर, ताकि अनजान चालक भी आसानी से वो गाड़ी लेके चला जाए। जीवन के राह में इतने भटकाव है, इतने मोड़ है, न जाने कब जीव किधर भटक जाए। लगता है सबको कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, सबको लग रहा है, लेकिन जा कहां रहे हैं वहीं में भटक रहे हैं। अगर जीपीएस न हो, बोर्ड न लगा हो, आदमी पहले कभी उस मार्ग से न गया हो, और भेज दीजिए कि जाइए आगरा, कहीं से कहीं घूम के वो इधर गोरखपुर चला जाएगा, कोई सीतापुर चला जाएगा, कोई बनारस चला जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए बोर्ड लगे रहते हैं। तो ऋषियों ने कहा 16 ऐसे नाजुक मोड़ हैं जीवन में, जहां अगर नहीं सावधानी की गई तो जीव भटक जाएगा। इसलिए कहा 16 संस्कार। ये हमारी संस्कृति की परंपरा है, और आज चिन्ह पूजा के रूप में उन संस्कारों को, कुछ संस्कारों को हम करते हैं। स्वरूप भी बदल गया, पश्चिम जगत के लोग उन्हीं संस्कारों को दूसरे रूपों में अभी कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते जा रहे हैं। अब ये समझे कि संस्कार क्या है, मोड़ तो है 16 बता दिए, रियल मीनिंग संस्कार का क्या है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक और भारतीय मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि फर्स्ट रिपीटेशन देन हैबिट, इट्स कॉल्ड संस्कार। जिन चीजों को हम रिपीट करते हैं, जिन चीजों को बार बार देखते हैं, जिन घटनाओं को, जिन चीजों को बार बार सुनते हैं, जिसको हम बार बार बोलते हैं, वो हमारे अभ्यास में आ जाता है, ये हैबिट बन जाता है। और आदमी का व्यक्तित्व तो कुछ नहीं, हैबिट का गुलाम है, आदतों का गुलाम है आदमी। जैसी किसी को महापुरुष बनना हो तो कोई बहुत पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ महापुरुषों की जीवनी पढ़कर देखिए, कुछ अच्छी आदतें हैं उनका अभ्यास कर लीजिए, आप एक न एक दिन वो आदत ही आपको महानता के शिखर तक ले जाएगी, वो आदत खींच के ले जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर है जो उनमें नहीं था, जो गड़बड़ है, जिसके कारण पीछे जा रहे हैं। आदत बहुत अच्छी चीज है और बहुत बुरी चीज है। अगर अच्छी आदतें लग गई तो आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे। और विज्ञान तो ये कहता है 21 डेज और 30 डेज, 21 दिन या 30 दिन एक अभ्यास करिए वो आपका हो जाएगा। लोग कहते हैं सुबह देर से उठने की आदत है, ये क्यों नहीं कहते कि जल्दी उठने की आदत है, पलट दे दिया, आदत ही तो है।
आदत को बदलना पड़ेगा, अन्यथा जिंदगी फिसल जाएगी हाथ से और आखिरी में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहता। एक राजा गए कहीं वेश बदल के नगर निरीक्षण करने, मछुआरे के यहां ठहर गए, रात में ठहरे, मछुआरे ने बड़ी सेवा की। सुबह उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं और आप कभी मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, मेरे यहां भी आइए मछुआरे जी। मछुआरा एक दिन राजा के यहां आया, सारी सुविधाएं दे दी गई, इंतजाम कर दिया गया और नौकर चाकर लगा दिए गए कि अतिथि को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अर्धरात्रि में दासी आती है, राजन अतिथि को कष्ट है। बोले क्या कष्ट है, नींद नहीं आ रही। राजा ने कहा सड़ी हुई मछली की दुर्गंध वाली टोकरी ले जाके उसके सिराने रख दो, अभी नींद आ जाएगी। जैसे ही वो टोकरी रखी उनको नींद आ गई। लोगों ने अगले दिन दरबार में पूछा राजन ये कौन सा फार्मूला था। बोले उसका अभ्यास मछलियों के बीच में रहने का है और यहां इत्र और गुलाल की खुशबू है, वो सो ही नहीं पाएगा। आदत, आप में से बहुत लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी पुष्पक, मुख उसमें साउंड ही नहीं है। तो एक किसी स्लम का आदमी, उसको लॉटरी लग जाती है 5 स्टार होटल में 3 दिन रहने का। जब पहले दिन वो 5 स्टार होटल में जाता है तो सो ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी आदत थी पानी भरना, बाल्टी की आवाज, लोगों की गाली गलौज, हॉर्न, घंटी, आइसक्रीम बेचने वाला, सब्जी वाला चिल्ला रहा, कूड़े वाला चिल्ला रहा, ये आवाज आए तो उसको आराम मिलता था। अगले दिन उपाय किया उसने, गया टेप रिकॉर्डर ली, मोहल्ले में लगा दिया, 4 घंटे रिकॉर्ड किया, ले जाके 5 स्टार में सो गए। ये आदत है। एक महात्मा के पास माता जी गई, बाबा मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, कोई ऐसा जंतर दीजिए कि शराब पीना छूट जाए। उन्होंने कहा बेटी मना तो नहीं करती हो। बोले मना तो करती हो, 1 हफ्ते के लिए मना करना बंद कर दो। बोले इतना तो हो जाएगा। गई एक दिन रोका, दूसरे दिन रोका और पति आए, उसे लगता कि पूरे घर वालों ने साजिश की है मेरे खिलाफ, कोई रोक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे भी आदत हो गई थी रुकवाने की। 3-4 दिन तक किसी ने नहीं रोका तो उसने तोड़फोड़ शुरू किया। पत्नी ने बोल दिया कि अगर शराब पी के आओगे तो टांग तोड़। 1 हफ्ते बाद महिला गई बाबा के पास, बाबा आपका फार्मूला काम नहीं किया। नहीं छोड़ा उसने, कहीं तूने मना तो नहीं कर दिया। बोले हाँ मेरा मन माना नहीं। तो बाबा कहने लगे कि मना करने की आदत 7 दिन के लिए तुम नहीं छोड़ सकती, तो पीने की आदत इतनी जल्दी कैसे छोड़ देगा। अब ये समझ लेना कि हम पीने के हिमायती नहीं है, सिर्फ संकेत किया जा रहा है कि अभ्यास है। अभ्यास को उल्टा अभ्यास करके ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि संसार में ना कुछ छूटता है ना पकड़ता है। छोटी छोटी आदतें ऐसे आती हैं, किसी ने लिखा कि वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, मालूम नहीं था इतनी ढलान है। हमने तो सोचा था एक बुरी आदत है धीरे से छोड़ देंगे, लेकिन इतने हम उसके गुलाम होते चले गए कि गड्ढे में आ गए, पतन के गर्त में गिर गए। अब एक आदमी शराब पीता था, अखबार पढ़ा उसने कि लीवर खराब हो जाता है शराब पीने से। बेटी उसकी थी, बोला बेटी कल से बंद। बेटी खुश हो गई कि अरे वाह पिताजी ने तो शराब पीना छोड़ दिया। अगले दिन देखा बोतल लेके फिर पी रहे। बोले पापा ये क्या है, आपने कल ही तो कहा था कि आज से बंद। तो बोले बेटी ऐसा है, मैंने कहा था अखबार बंद, जिस अखबार में ऐसी बात लिखी हो कि पीना खराब है वो अखबार बंद, मैंने पीना बंद थोड़े ही कहा था, अखबार बंद वो नहीं आएगा दूसरा आएगा। तो बहाने ढूंढ लेते हैं आदत जैसी होती है। हमने ये भी सुना कि एक दर्जी ने सपना देखा, सपना देखा कि मरने के बाद उसके कब्र पे बहुत सारी झंडियां लगी और झंडियां उन कपड़ों की लगी है जिसकी चोरी की थी, क्योंकि बिना तो काठी लेता था थोड़ा सा, तो माफी मांग रहा है कि अब संकल्प लेता हूं कभी भी कपड़े की चोरी नहीं करूंगा। नींद खुल गई तो उसने अपने जो छोटे टेलर मास्टर थे उनको समझाया
कि जब भी मैं कपड़े की चोरी करूं तुम बोल देना उस्ताद झंडी, तो मैं समझ जाऊंगा। जब वो कैंची चलाए तो लड़के बोलते उस्ताद झंडी, तो बोलते अच्छा ठीक है नहीं कटूंगा। एक दिन बहुत सुंदर कपड़ा आया, अब मन उसका ललचाया, उसने कैंची चलाई, लड़के ने कहा उस्ताद झंडी, नहीं माना, काटता ही गया। फिर चिल्लाया उस्ताद झंडी, डांटा उसको, तुम गए थे वहां मेरे कब्र पे, इस कपड़े की झंडी नहीं थी, एक लग ही जाएगी तो क्या फर्क पड़ता। आदत, आदत बहुत बुरी चीज है और आदत बहुत अच्छी चीज है। अगर अच्छी आदतें डाल लीजिए तो स्वर्ग मिल जाएगा।